आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्ते। मेरा नाम शालिनी है और मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ। मन की बात कार्यक्रम जनता के बीच एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है। प्रारंभ में लोगों ने सोचा कि यह कार्यक्रम भी एक राजनीतिक मंच बनकर ही रह जाएगा और आलोचना का विषय भी बना, परंतु जैसे जैसे यह कार्यक्रम आगे बढ़ा, हमने देखा कि राजनीति के स्थान पर यह सामाजिक समस्याओं और चुनौतियों पर ही केंद्रित रहा और इस तरह मेरे जैसे करोड़ों सामान्य लोगों से जुड़ता गया। धीमे धीमे आलोचना भी समाप्त हो गई। तो मेरा प्रश्न यह है कि आप इस कार्यक्रम को किस प्रकार राजनीति से दूर रखने में सफल रहे? क्या कभी आपका ऐसा मन नहीं हुआ कि आप इस कार्यक्रम को राजनीति के लिए उपयोग कर सकें या फिर इस मंच से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना सकें? धन्यवाद। आपके फोन कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आशंका सही है। दरअसल नेता को माइक मिल जाए और लाखों करोड़ों की संख्या में सुनने वाले हो तो फिर क्या चाहिए। कुछ युवा मित्रों ने मन की बात में आए सब विषयों पर एक स्टडी की। उन्होंने सारे एपिसोड का लेक्सिकल एनालिसिस किया और उन्होंने अध्ययन किया कि कौन से शब्द कितनी बार बोले गए, कौन से शब्द हैं जो बार बार बोले गए। उनकी एक फाइंडिंग यही है कि यह कार्यक्रम अपॉलिटिकल रहा। जब मन की बात शुरू किया था तभी मैंने तय किया था कि ना इसमें पॉलिटिक्स हो, ना इसमें सरकार की वाहवाही हो, ना इसमें कहीं मोदी हो। और मेरे इस संकल्प को निभाने के लिए सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ी प्रेरणा मिली आप सबसे। हर मन की बात से पहले आने वाले पत्रों, ऑनलाइन कमेंट्स, फोन कॉल्स, इनमें श्रोताओं की अपेक्षाएं साफ होती हैं। मोदी आएगा और चला जाएगा, लेकिन यह देश अटल रहेगा, हमारी संस्कृति अमर रहेगी। 130 करोड़ देशवासियों की छोटी छोटी यह कहानियां हमेशा जीवित रहेगी। इस देश को नई प्रेरणा, नए उत्साह से नई ऊंचाइयों पर लेती जाती रहेगी। मैं भी कभी कभी पीछे मुड़कर के देखता हूं तो मुझे भी बहुत बड़ा आश्चर्य होता है। कभी कोई देश के किसी कोने से पत्र लिखकर कहता है, हमें छोटे दुकानदारों, ऑटो चलाने वालों, सब्जी बेचने वालों को ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा मोलभाव नहीं करना चाहिए। मैं पत्र पढ़ता हूं, ऐसा ही भाव कभी किसी और पत्र में आया हो उसको साथ गूंथ लेता हूं। दो बातें मैं अपने अनुभव की भी उसके साथ शेयर कर लेता हूं, आप सबके साथ बांट लेता हूं, और फिर न जाने कब यह बात घर परिवारों में पहुंचती है, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर घूमती है और एक परिवर्तन की ओर बढ़ती रहती है। आपकी भेजी स्वच्छता की कहानियों ने, सामान्य लोगों के ढेर सारे उदाहरणों ने न जाने कब घर घर में एक नन्हा स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर खड़ा कर दिया है, जो घर वालों को भी टोकता है और कभी कभी फोन कॉल कर प्रधानमंत्री को भी आदेश देता है। कब किसी सरकार की इतनी ताकत होगी कि सेल्फी विद डॉटर की मुहिम हरियाणा के एक छोटे से गांव से शुरू होकर पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी फैल जाए, समाज का हर वर्ग, सेलिब्रिटी सब जुड़ जाएं और समाज में सोच परिवर्तन की एक नई मॉडर्न लैंग्वेज में, जिसे आज की पीढ़ी समझती हो, ऐसी अलग जगह जाए। कभी कभी मन की बात का मजाक भी उड़ता है, लेकिन मेरे मन में हमेशा ही 130 करोड़ देशवासी बसे रहते हैं, उनका मन मेरा मन है। मन की बात सरकारी बात नहीं है, ये समाज की बात है। मन की बात एक एस्पिरेशनल इंडिया, महत्वाकांक्षी भारत की बात है। भारत का मूल प्राण राजनीति नहीं है, भारत का मूल प्राण राजशक्ति भी नहीं है, भारत का मूल प्राण समाज नीति है और समाज शक्ति है। समाज जीवन के हजारों पहलू होते हैं, उनमें से एक पहलू राजनीति भी है। राजनीति सब कुछ हो जाए यह स्वस्थ समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। कभी कभी राजनीतिक घटनाएं और राजनीतिक लोग इतने हावी हो जाते हैं कि समाज की अन्य प्रतिभाएं और अन्य पुरुषार्थ
दब जाते हैं। भारत जैसे देश के उज्जवल भविष्य के लिए जन सामान्य की प्रतिभाएं पुरुषार्थ को उचित स्थान मिले, ये हम सबका एक सामूहिक दायित्व है और मन की बात इस दिशा में एक नम्र और छोटा सा प्रयास है।